प्रोफेसर साहब, क्या आप ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ जानते हैं? ब्रह्म राक्षस सबसे भयानक प्रेत आत्माओं में से एक है। फिर वो सारे एक चीज नोटिस करते हैं कि वो घर के पास जो विशालकाय बरगद का पेड़ है उसकी तरफ भाग रही थी। ये देखते ही उसके दादा त्रिलोकनाथ और उनके आसपास के लोगों की सांसें सूख जाती हैं। कि अगर मैं तुम्हें भूतों की कहानियां सुनाऊंगा तो क्या तुम्हें रात में डर नहीं लगेगा? प्रोफेसर साहब, क्या आप ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ जानते हैं? कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस के प्रकोप से आपको कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ, ब्रह्म राक्षस सबसे भयानक प्रेत आत्माओं में से एक है। इनका जन्म उन शैतान ब्राह्मणों से होता है जो अपने ज्ञान का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और दूसरे मनुष्यों को क्षति पहुंचाते हैं। ये प्रेत आत्मा अति शक्तिशाली और ज्ञानी होती है, और अगर ये एक बार आपके पीछे पड़ गई तो इससे पीछा छुड़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ब्रह्म राक्षस सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि ज्ञान और शक्ति का गलत इस्तेमाल कितना भयानक हो सकता है। ब्रह्म राक्षस क्या होता है, उसकी क्या ताकत है, ये जानने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है आशी, उसकी बड़ी बहन नेहा और उसके दो कजिन अरुण और अभिषेक की, जो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। आशी और नेहा पटना में रहते थे और उनके बाकी कजिन भोले की नगरी बनारस में। आशी और नेहा हमेशा अपने गांव बक्सर जाते रहते थे। ये कहानी है अप्रैल 2006 की, जब चारों भाई बहन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी गर्मी की छुट्टियां साथ में अपने दादा दादी के साथ गांव में बिताएंगे। ऐसा कभी कभार ही होता था कि ये चारों एक साथ अपने गांव गए हों, इसीलिए एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा थी कि हम सब मिलके खूब मस्ती करेंगे इस बार। फाइनली वो टाइम आता है और ये चारों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और साथ बैठ के प्लान करते हैं कि इस एक महीने में हम क्या क्या करेंगे। इनके दादा त्रिलोकनाथ तिवारी और इनकी दादी इन्हें बहुत प्यार करते थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मगर इन्हें इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो इनकी दुनिया हिला के रख देगा। एक शाम चारों भाई बहन अपने दादा के साथ अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। उनके साथ कुछ और लोग भी बैठे थे और बातें कर रहे थे कि तभी आशी अचानक से बोलती है कि दादाजी, आप हमें कोई भूत की कहानी क्यों नहीं सुनाते? मुझे ये कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। ये सुनकर उसके दादा हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें भूतों की कहानियाँ सुनाऊंगा तो क्या तुम्हें रात में डर नहीं लगेगा? ये सुनकर उसका भाई अरुण फटाक से बोलता है, हाँ हाँ दादाजी, रहने दीजिए, इसे कोई कहानी वहानी सुनाओ मत, वरना रात में वॉशरूम जाने में भी ये मुझे चौकीदार बनाएगी। ये सुनते ही सभी हंसने लगते हैं और आशी को काफी बुरा लगता है। आशी थोड़ी इगोइस्टिक टाइप की बच्ची थी और उसे ये बात अपने आत्मसम्मान पर लग गई थी। आशी बोलती है, अच्छा आप सबको ये लगता है कि मैं बहुत डरपोक हूँ, ठीक है फिर मैं ये आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं किसी भी चीज से नहीं डरती। और ये बोलते ही आशी भागने लगती है। पहले तो सबको ये मजाक ही लगता है और सब चिल्लाते हैं, रुक जा आशी। फिर वो सारे एक चीज नोटिस करते हैं कि वो घर के पास जो विशालकाय बरगद का पेड़ है उसकी तरफ भाग रही थी। ये देखते ही उसके दादा त्रिलोकनाथ और उनके आसपास के लोगों की सांसें सूख जाती है और वो सब उसके पीछे भागने लगते हैं, चिल्लाते हैं, रुक जा आशी, वहां मत जा, वहां मत जा आशी। जब तक वो सारे वहां पहुंचते हैं काफी देर हो चुकी थी। आशी उस पेड़ के बड़ी बड़ी लतों से लटक कर झूला झूल रही थी और जोर जोर से कह रही थी कि देखो मैं किसी से नहीं डरती, जिस पेड़ के आसपास आने से आप सब लोग घबराते हो मैं उस पे झूला झूल रही हूँ। ये नज़ारा देख के सभी की हालत ख़राब हो जाती है और गांव वालों में किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस पेड़ के पास जाएं और आशी को उतरने को बोले। तभी त्रिलोकनाथ आगे बढ़ते हैं और उसे पेड़ से खींचते हैं। आशी को नीचे उतारते ही वो उसे खींच के एक तमाचा मारते हैं और कहते हैं, ए पागल लड़की, तुझे समझ में नहीं आता है जब कोई बड़ा तुझे मना करता है कि कोई चीज़ नहीं करनी है। वो चिल्ला कर आशी को घर जाने को बोलते हैं और आशी रोते हुए घर भाग जाती है। इसके बाद त्रिलोकनाथ पेड़ की तरफ आगे बढ़ते हैं और हाथ जोड़कर उस पेड़ से माफी मांगते हैं। ये घटना गांव वालों में एक चर्चा का विषय शुरू कर देती है और लोग आपस में बात करने लगते हैं। कोई कहता है कि ये क्या हो गया,
पिछली बार जब किसी ने इस पेड़ के साथ ऐसा छेड़खानी की थी तो दो लोगों की मौत हो गई थी। क्या इस बार भी इस बच्ची के साथ कुछ वैसा ही होगा? दूसरा आदमी कहता है, नहीं नहीं, ये बच्ची उन्हीं के पीढ़ी की तो है, इससे गलती हो गई है, मेरे हिसाब से इसे माफ कर दे। ये सारी बातें वहां खड़े होकर अरुण और अभिषेक सुन रहे थे और उनके दिमाग में ये चीज घर कर गई थी। दो लोगों की मौत और उनकी पीढ़ी, ये सारी बातें वो घर जाकर नेहा और आशी को भी बताते हैं। आशी अभी भी बिल्कुल गुस्से में लाल थी क्योंकि वो सोच रही थी कि उस पेड़ की वजह से उसके सबके सामने मार पड़ी है। ये चारों भाई बहन मिलके ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस बड़े पेड़ के पीछे राज क्या है। ये आसपास के बच्चों से वो पूछते हैं पर कोई भी उन्हें ये चीज नहीं बताता और कहते हैं कि उनके घर के बड़ों ने इस बारे में बात करने से मना किया है। कुछ लोग ये कह के भी बात टाल देते हैं कि हमें नहीं पता। बहुत दिनों की कोशिश के बाद इन चारों को कहीं कोई उम्मीद दिखती है जब खेलते वक्त दूसरे गांव का एक लड़का इनके पूछने पर ये बोलता है कि तुम्हें इस गांव में रहने के बाद भी उस पेड़ के बारे में कुछ नहीं पता? हमारे गांव में तो इस पेड़ के किस्से बहुत चर्चित हैं। चारों बहुत उत्सुक होकर उससे पूछने लगे कि हमें भी बताओ ना कि आखिर बात क्या है। वो लड़का इन्हें बताना शुरू करता है कि यह बात करीब 50 साल पहले की है। दो भाई रिंकू और करण इसी गांव में रहते थे और दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। ये सारा किस्सा शुरू हुआ रिंकू के जन्मदिन पे, जब वो और उसके दोस्त मिलकर ये सोचते हैं कि आज के दिन कहीं कुछ खाने पीने का प्रोग्राम करते हैं। बिना किसी देरी के रिंकू और उसके 5 दोस्तों ने गांव के पास ही एक मीट की दुकान से गोश्त खरीदा, फिर शराब और बाकी जरूरत की चीजें लेके ये एक बढ़िया बैठने के ठिकाने की खोज करने लगे जहां इन्हें कोई और आके परेशान न कर सके। काफी देर ढूंढने के बाद इन्हें वो विशालकाय बरगद का पेड़ दिखा। पेड़ को देखते ही रिंकू ने बोला कि इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है, इस पेड़ की छांव में हम सब आराम से बैठ के मजे कर सकते हैं। रिंकू के ये बोलते ही उसके एक दोस्त ने पहले ही बोला, पागल मत बन, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के कुछ खाया पिया नहीं जाता। रिंकू ये सुन के हंसने लगा और बोला, क्या फट्टू लोगे यार तुम लोग, ऐसे थोड़ी होता है, चल जल्दी चलते हैं और प्रोग्राम शुरू करते हैं। सारे दोस्तों को आगे जाता देख वो एक दोस्त भी इनके साथ जाने पे मजबूर हो गया। सब लोग पेड़ के जरा पास बड़े ही थे कि अचानक से एक तेज तर्रार हवा का झोंका इनसे आके टकराता है। वो झोंका इतना तेज था कि सभी 4-5 कदम पीछे जाने पर मजबूर हो गए। इनका वो एक दोस्त वापस बोलता है कि देख, मैंने बोला था ना, ये हमें कुदरत का एक इशारा है और अब भी देर नहीं हुई है, चल कहीं और चलते हैं। इस बार बाकी दोस्त भी उसकी बात से सहमत थे क्योंकि अचानक से ऐसा हवा का झोंका आना कोई आम बात नहीं थी। इन सब की बातें सुन के रिंकू हंसने लगता है और बोलता है कि तुम सब एक हवा के झोंके से डर गए, रुको मैं दिखाता हूं कि यह सब कुछ नहीं होता। और वो गोश्त और शराब को लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और अपने साथियों से कहता है कि देखा, कुछ नहीं हुआ, तुम सब डरपोक हो। यह कह के वो हंसते हुए पेड़ के पीछे जाता है। उसके पीछे जाते ही एकदम सन्नाटा बिखर जाता है। कुछ समय बीतने के बाद जब रिंकू सामने नहीं आता तो उसके दोस्त चिल्ला के पूछते हैं, रिंकू कहाँ गया, हमारे साथ अब ये मजाक मत कर और इधर आ जा। कोई जवाब ना मिलने के बाद जैसे तैसे हिम्मत करके उसके दोस्त पेड़ की दूसरी तरफ जाते हैं और जो नजारा था वहां पर वो देख के सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिंकू ऊपर पेड़ पे लटका हुआ था और उसके गले में उस विशाल बरगद के पेड़ की लताएं बंधी हुई थी जैसे किसी ने उसे फांसी लगा दी हो। रिंकू को इस हालत में देख के उसके साथियों की हालत खराब हो जाती है और जैसे तैसे करके उसका एक दोस्त आगे बढ़ता है रिंकू की लाश को नीचे उतारने के लिए। जैसे ही वो रिंकू के पैरों को पकड़ता है एक तेज हवा का झोंका वापस से आता है और सबको जैसे एक जोर का तमाचा लगता है। इस बार किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां पे एक पल और रुका जाए, सभी जितना तेज हो सके वहां से भाग खड़े हुए। यह खबर सुन के गांव में हाहाकार मच गया था। सभी गांव वाले ये समस्या लेके गांव के महंत जी के पास गए। महंत जी ने पूरी बात सुनी और वो सबके साथ
उस पेड़ के पास पहुंचे। महन जी ने रिंकू की वो लटकी हुई लाश देखी और उसके दोस्त से पूछा कि तुम सब तो कह रहे थे इसके पास गोश्त और मदिरा थी, लेकिन इसके हाथों में तो कुछ भी नहीं है और यहां आसपास भी कुछ गिरा हुआ नहीं है। महंत ने सबको वो थैला ढूंढने को बोला। वो गोश्त और शराब का थैला पेड़ से करीब 100 कदम दूर गिरा हुआ मिला। महंत जी को समझ आ गया ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, क्योंकि अगर ये कोई साधारण आत्मा होती तो वो इस गोश्त और शराब का भोग करती, लेकिन ये तामसिक चीज पेड़ से इतनी दूर मिलना ये बात जाहिर करता है कि ये एक भ्रम राक्षस है। महंत जी ने उस पेड़ के सामने एक विधि शुरू करी और उस पेड़ से माफी मांगी। क्रिया समाप्त करने के बाद महंत जी ने पेड़ से विनती करी कि हे ब्रह्मदेव, इन गांव वालों को माफ कर दें और कृपया करके इस बच्चे की लाश को छोड़ दें, ताकि इसका अंतिम संस्कार विधि विधान से किया जा सके। ये बोलते ही पेड़ से रिंकू की लाश थाट से नीचे गिर गई। महंत ने गांव वालों को समझाया कि आइंदा कोई इस पेड़ के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, लेकिन यह समझाना ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। रिंकू का भाई करण अपने भाई की मौत से बहुत सदमे में था और उसने ठान लिया कि वो उस पेड़ को खत्म कर मानेगा। अगली सुबह जब एक गांव वाला उस पेड़ के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि पेड़ पर एक और लाश लटकी हुई है और ये कोई और नहीं बल्कि रिंकू का छोटा भाई करण है। सभी गांव वाले पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं और ये चीज देखते हैं कि करण के लाश के नीचे एक कुल्हाड़ी गिरी हुई है और पेड़ पे कुल्हाड़ी मारने का एक निशान भी है। सभी महंत जी को बुलाते हैं और ये बताते हैं कि करण ने पेड़ काटने की कोशिश की और उसका भी अंजाम उसके भाई रिंकू की तरह निकला। महंत जी समझ गए थे कि ये भ्रम राक्षस अब क्रोधित हो चुका है और ये सिर्फ एक पेड़ तक सीमित नहीं रहेगा और पूरे गांव के ऊपर एक खतरा बन उठेगा। महंत जी ने एक बहुत बड़े अनुष्ठान की तैयारी शुरू की और वो यज्ञ और हवन करीब 3 दिनों के लिए चला। इस अनुष्ठान के खत्म होने पर महंत जी ने सबसे ये बात बोली कि मैंने वापस से ब्रह्म राक्षस को इस पेड़ से बांध दिया है और अब से कोई इस पेड़ के पास भी नहीं आएगा, वरना तुम्हारी जान बचाने वाला कोई नहीं होगा। उस दूसरे गांव के लड़के ने अपनी कहानी खत्म करी और बोला कि 50 साल बीत गए हैं और किसी ने अभी तक उस पेड़ को छेड़ा नहीं है। उस लड़के ने एक और चीज बताई कि कहा जाता है कि वो ब्रह्म राक्षस इस गांव के त्रिलोकनाथ दादा के पूर्वज हैं। ये सुन के ये चारों भाई बहन बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, पर इन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। चारों बिना कुछ बोले अपने घर की ओर निकल गए। घर पहुंचकर चारों आपस में ये बात करने लगते हैं कि गांव वाले कुछ भी कहानियां बनाते हैं और ऐसा असलियत में थोड़ी होता है। आशी कहती है कि इन झूठी कहानियों की वजह से मुझे सबके सामने मार पड़ी है और मैं ये साबित करके रहूंगी ये सारी कहानियां मनगढ़ंत हैं। चारों इस चीज से सहमत थे और इन्होंने मिलके ये डिसाइड किया कि देर रात सबके सोने के बाद हम इस पेड़ के पास जाएंगे और देखेंगे कि आखिर बात क्या है। गर्मियों का समय था और ये चारों बच्चे बाकी घर वालों के साथ छत पे ही सोते थे। उस रात जैसे इनके अंदर एक बेचैनी सी थी कि आज हम उस पेड़ के राज का पता लगा कर ही रहेंगे। जैसे ही रात के 1 बजते हैं ये आपस में इशारा करते हैं कि अब समय आ गया है और हमें उस पेड़ की तरफ निकल जाना चाहिए। चारों उठते हैं और दबे पैर अपने घर से बाहर निकलते हैं और उस विशाल बरगद के पेड़ की तरफ, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे क्या होगा, वो गलती करने जाते हैं जो इनकी जान भी ले सकता है। आगे क्या हुआ जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। 8